हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत बढ़िया, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहा है रात के 9 और मैं अभी अभी नहाई हूँ और आज मैंने सोचा कि कुछ अच्छा बनाते हैं। तो मैं सोचूँ कि आज हम बनाएंगे वेज बिरयानी, क्योंकि कल संडे है तो मेरे पास बहुत टाइम है। तो मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता है बिरयानी बनाने में, मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। तो चलो चलते हैं और बिरयानी बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं मेरी रेसिपी जो मैं ट्राई करने वाली हूँ। ऐसे मेरी तो नहीं है, मैं भी देख देख के बना रही हूँ, बट हाँ चलो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये बासमती राइस जो कि मम्मी पापा लाए थे। तो वैसे तो इनका कोई यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज इनको यूज़ कर लेते हैं। तो इनको डालते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। इसमें डाले लौंग का मिर्च और चीज है कुछ तो मिला दिया कुछ इसमें डाल दिया हमने और ये थोड़ा सा धनिया डाल दिया। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमारे पास। तो हम इसको छोड़ेंगे बॉईल करने के लिए, तो हम इसमें पानी डालेंगे अच्छे से पूरा फुल। मैंने चावल रख दिए हैं मैंने पकने के लिए। तो अभी जो मैंने ये देखिए मेरे कमरे का मैस बिल्कुल मत देखिए। तो अभी जब तक हमारे चावल पक रहे हैं तब तक मैंने जो ये सब्जियाँ ऑलरेडी काट के रखी हैं तो इनको पका लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनको प्याज और जो हमने ये पनीर है हमारा इसको फ्राई करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। तो ये हमारा तेल जो है गर्म हो गया है, चाय डालें हम चेक कर। तो ये हमारे चावल अच्छे से पक गए हैं और ये देखो बिल्कुल ऐसे खिले खिले से नज़र आ रहे हैं हमें ये चावल। तो अब हमने इनको निकाल के रख लिया है, तो अब हम हमारा प्याज देख लेते हैं कि वो कहाँ पर पहुँचा है। तो हमने प्याज जो है वो निकाल लिया है और अब हम इसी तेल में जो है हमारे पनीर को फ्राई करेंगे। तो ये हमारा पनीर भी हल्का फ्राई हो गया, तो निकाल लेंगे। जीरा, धनिया, काली मिर्च जितने भी मसाले हमारे पास थे सारे हमने डाल दिए। हमारे मसाले जो है वो भुन गए हैं, तो हम इसमें पेस्ट। तो ये हम इसमें डालेंगे मिर्ची, ये मिर्च बहुत तेज है तो हम थोड़ी सी डालेंगे, मॉडल भी बहुत मिर्च डाल चुके हैं। और हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, इसमें डालेंगे हल्दी, हल्दी पाउडर, इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। तो हमने इसमें धनिया डाल दिया और अब इसमें एक सीटी देंगे ताकि सारा पक ताकि सब्जियाँ जो है वो पक जाए। मिक्स वेज तैयार हो गई है, तो हम इसमें थोड़ी सी दही डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे चार पाँच छः सात आठ नौ चम्मच दही में सारी चीज़ें डाल दी है इसमें। तो हमारी बिरयानी बनके हो गई है तैयार, तो अब हम इसको खाएंगे। तो अब मिलते हैं आपसे कल, क्योंकि मैं जा रही हूँ कल शिमला वापस और इसका फीडबैक लेंगे हम मम्मी पापा से, क्योंकि ये बहुत सारी बन गई है। तो इन इसको पैक करके ले जाएंगे हम शिमला और उनसे टेस्ट करवाएंगे। तो कल मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड नाइट। तो मैं पहुंच गई हूँ शिमला और ये हमारी बिरयानी कल वाली। अब हम मम्मी पापा से टेस्ट कराएंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसी बनी है। वैसे कल रात तक तो अच्छी ही थी। बढ़िया बढ़िया बनी। मती बताओ कैसी बनी है? ठीक, अच्छी बनी। मेरी मेहनत सफल हुई।
तो मम्मी पापा ने जो है बिरयानी टेस्ट कर ली थी और उन्होंने बोला कि बिरयानी अच्छी बनी है, तो मतलब आप ये सोच सकते हो कि मेरी खिचड़ी पक गई और अच्छी पकी। तो अभी हम जा रहे हैं शिमला। आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।